करने हैं। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की ओर रुख करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम वही खबरें आपको दिखाते जो आपको जानना जरूरी है, क्योंकि सच जरूरी है। अपराधियों ने शहर में मचाया आतंक। नागपुर में अपराधियों की एक गैंग ने मंगलवार को तड़के शहर में घुस कर जमकर आतंक मचाया। कई स्थानों पर तोड़फोड़ की, होटल में लूटपाट मचाई, 22 वाहनों को फोड़ दिए। इस घटना से नागरिकों में दहशत मच गई है। आरोपियों में फैजान खान उर्फ राज काल्या, मोहम्मद शकील, रतिक गौर, भुरू असलम शहजाद और उनके साथियों का समावेश है। बताया जाता है कि राज काल्या पर कई मामले दर्ज है। कुछ समय पहले ही उसे शहर से तड़ीपार किया गया था। जानकारी के अनुसार मंगलवार को तड़के 4 बजे के दौरान राज काल्या और उनके साथी 5-6 मोटरसाइकिल पर पहले टेकानाका परिसर में गए। वहां तलवार, चाकू और हॉकी स्टिक लेकर उत्पात मचाया। वहां से कमाल चौक पर गए। कमाल चौक पर भी आरोपी हाथ हथियार लहराते हुए लोगों के साथ गाली गलौज करते रहे। कुछ जगहों पर पत्थरबाजी भी की। इसके बाद आरोपी ने मोमिनपुरा के बाबा टी हाउस में उत्पात मचाया, दुकान का सामान तोड़ दिया। इसके बाद सेवा सदन चौक में समीप शब्बानी क्लब के पास उत्पात मचाया। वहां खड़ी कार, माल वाहन और दुपहिए सहित 13 वाहनों को तोड़ दिए। कुछ नागरिकों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो धमकाने लगे। इसके बाद सुबह 6 बजे के दौरान आरोपी रेलवे स्टेशन के पूर्वी द्वार के सामने स्थित राजा रेस्टोरेंट में घुसे। वहां कर्मचारियों के साथ मारपीट की, यहां भी सामान की तोड़फोड़ की, काउंटर में रखे 1 से 1.5 हजार रुपए लूट लिए। इसके बाद पूर्वी द्वार के सामने खड़े 10 ऑटो में तोड़फोड़ कर चालकों के साथ मारपीट की। इसके बाद मोपेड पर सवार युवक का रास्ता रोका, उसे डरा धमका कर पैसे मांगने लगे। MNS न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।